कुंदनपुर नामक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति अपने बीवी और बेटे के साथ रहता था। मोहन की सब्जी की दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान थी। मोहन की दुकान बहुत अच्छी चलती थी क्योंकि उसके पास ताजा सब्जियां मिलती थी। मोहन की दुकान से काफी अच्छी कमाई होती थी। उसका घर भी गांव का सबसे बड़ा और अच्छा घर था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु मोहन अपनी दुकान से कभी भी किसी को भी उधार में या मुफ्त में सब्जी नहीं देता था। चाहे कोई कितना भी गरीब हो, मोहन की दुकान से उधार मांग ले तो मोहन उसे साफ साफ मना कर देता था। एक दिन मोहन का पड़ोसी मुन्ना उसके पास आया और उससे उधार सब्जियां मांगने लगा। अरे भाई, मुझे सब्जी चाहिए परंतु मेरे पास पैसे नहीं है। 2-4 दिन के भीतर जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हारे पैसे चुकता कर दूंगा। देखो भाई, मेरे दुकान पर ताजा सब्जी मिलती है, लेकिन मेरा एक नियम है, मैं किसी को उधार नहीं देता हूँ, समझे? अरे भाई, मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ, क्या तुम मुझे भी उधार नहीं दोगे? 2-4 दिन के भीतर मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। देखो भाई, उधार के लिए माफ करो, जब तुम्हारे पास पैसे हो तब सब्जी ले जाना। गांव के लोग मोहन की इस आदत से बहुत परेशान थे। यह जानकर भी मोहन किसी को भी उधार नहीं देता था। देखो भैया, मोहन लालची आदमी है, वो नहीं करता किसी की मदद। हाँ भैया, सही बात है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग मोहन को समझाते हैं। देखो बेटा मोहन, भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, तुम्हें थोड़ा दान पुण्य तो करना ही चाहिए। अगर तुम दान पुण्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे दुकान पर आने वाले ग्राहकों को उधार देकर ही उनकी मदद कर दो। मोहन सबकी बातें सुनता परंतु वह अपने नियम को नहीं तोड़ता। मोहन ने घर में कोई कमी नहीं रखी हुई थी, परंतु उसकी पत्नी राधा और उसका बेटा सुमित मोहन की इस आदत से बहुत ही परेशान रहते थे। एक दिन सुमित अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी के पास कितने पैसे हैं, परंतु वह किसी की मदद नहीं करते हैं और ना ही वह अपनी दुकान पर किसी की उधार करते हैं। क्या करूँ बेटा, मैं भी उन्हें बहुत समझाती हूँ परंतु वो मेरी बात मानते ही नहीं है। एक दिन मोहन शहर से सब्जी लाने के लिए अपने स्कूटर पर निकलता है। रस्ते में उसका स्कूटर पंचर हो जाता है और वह स्कूटर से नीचे उतरकर देखता है। आसपास उसे कोई दुकान नजर नहीं आती है। फिर उसे ख्याल आता है कि पास ही में मुन्ना की पंचर की दुकान है। वह अपना स्कूटर लेकर मुन्ना भैया के पास चला जाता है। अरे भाई, देखो जरा, मेरा स्कूटर पंचर हो गया है, मैं घर से पैसे लाने भी भूल गया हूँ, तुम इसे ठीक कर दो, पैसे मैं तुम्हें बाद में दे जाऊंगा। अरे भाई, ऐसा नहीं चलता है, एक दिन मैं भी तुम्हारी दुकान पे उधार मांगने आया था परंतु तुमने साफ मना कर दिया, जब तुम्हारे पास पैसे हो तब इसे ठीक करवा लेना। मोहन को यह बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वह मन ही मन सोचता है कि उस दिन अगर मैंने मुन्ना भैया की उधार की होती तो आज यह भी मेरी उधार कर लेता। बच्चों, हमें एक दूसरे की मदद हमेशा करते रहना चाहिए।